हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू ब्यूटीफुल यू चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है अलग, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं आज सीताफल शेक बनाऊं, तो फिर मुझे आइडिया आया कि मैं आपके साथ शेयर करूं उसकी रेसिपी। तो आजकल ड्यू टू करोना बाहर का खाना पीना लोगों का बहुत कम हो चुका है, एंड आइसक्रीम ये सब खाना, बाहर से शेक से सब पीना बहुत रिस्की हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपके साथ ये इजी सी रेसिपी शेयर करूं। तो ये रेसिपी 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। इट इज़ हेल्दी, इट इज़ फिलिंग, और आपकी जो आइसक्रीम की क्रेविंग है उसको भी ये मार देगी। तो बहुत ही टेस्टी शेक बनता है ये। तो एंड बहुत सिंपल भी है, एंड जो मेन इसमें मेहनत का काम है, आप सोच रहे होंगे सीताफल को पल्प अलग करना उसकी सीड से, तो आई शो यू दैट ऑल्सो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि सीताफल को सीड्स, पल्प को सीड से अलग कैसे करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने 2 सीताफल लिए हैं। एक सीताफल के लिए एक थिक शेक आपको अगर चाहिए तो फॉर 1 equals to 1 glass आराम से बन जाएगा, और आप 3 glass भी बना सकते हैं पर थोड़ा सा पतला बनेगा। तो मैंने यहाँ पे सीताफल के जो अंदर का पल्प है वो निकाल दिया है, और इसी के साथ मैं अपने हाथों से इसको सीड से सेपरेट करूँगी। बहुत आसान है, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे आपको इसको अलग करने से, उसके सीड से अलग करने में से पल्प को। तो पहले हम लोग सीड्स निकाल देंगे एंड पल्प सेपरेट कर लेंगे। तो आपने देखा कितना इजी था सीड से पल्प को सेपरेट करना। दिस वाज द मेन इम्पॉर्टेंट ट्रिकी पार्ट। अगर ये आपका हो गया तो मतलब शेक तो बन ही गया। बहुत जो दिमाग खाने वाला स्टेज है वो ये स्टेज होता है एक्चुअली। तो हम लोग का सीड सेपरेट हो चुका है पल्प से, सो व्हाट वी हैव इज पल्प नाउ। तो अभी हम इसको ब्लेंडर में डाल देंगे, एंड ब्लेंडर में डालने के बाद अब डिपेंड होता है कि आपको शुगर डालना है कि नहीं। हेयर आई एम पुटिंग 1.5 tablespoons ऑफ शुगर, लेकिन आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको बहुत मीठा चाहिए तो आप 2 चम्मच 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। अगर आप, क्योंकि सीताफल नेचुरली मीठा होता है तो हम नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। इसके साथ में अब जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो है, अब इसके साथ आपको डालना है 1/2 glass milk। सो अगर आपको 2 glass बनाना है डायरेक्टली, आपको 2 glass पल्प में नहीं डालना है, क्योंकि इससे क्या होगा आपको अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा और आपके जो पल्प है वो अखे के मतलब पूरे पल्प उसमें रह जाएंगे। सो इफ़ यू वांट स्मूथ, एकदम स्मूथ शेक आपको चाहिए, तो आपको पहले 1/2 cup या 1/2 glass दूध के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड करके प्यूरी बनाना पड़ेगा। अगर प्यूरी हो गई उसके बाद देन यू कैन ऐड कितने भी ग्लास आपको चाहिए, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो एकदम स्मूथ रिजल्ट आएगा। तो अब मैं ब्लेंड कर दूंगी और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना स्मूथ प्यूरी बन चुका है। अभी हम रेस्ट ऑफ द मिल्क डाल देंगे एंड वापस से ब्लेंड कर देंगे। तो कितना स्मूथ एंड रिच एंड क्रीमी सीताफल शेक इज रेडी, एंड इट लुक्स डिलीशियस एंड स्मूदी एंड क्रीमी। सो लेट्स डिग इन एंड ट्राई। सो हमने देखा कितनी इजी थी सीताफल शेक बनाने की रेसिपी। डू ट्राई, इट्स वेरी सिंपल एंड फिलिंग है, एंड आप आइसक्रीम सब भूल जाओगे। सो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और रेसिपी अच्छी लगी तो डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।